राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेता और जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान को डोंगरगढ़ पुलिस ने नोटिस जारी किया है, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब जिले और प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। डोंगरगढ़ पुलिस ने सेवा सहकारी समिति छिपा के प्रबंधक गोवर्धन वर्मा की आत्महत्या के जांच में धान की कमी लोन प्रकरण के संबंध में पूछताछ के लिए नवाज खान को नोटिस तामिल किया था, लेकिन नोटिस उन्हें नहीं मिली, जिस पर नवाज खान पूछताछ के लिए डोंगरगढ़ थाने में उपस्थित नहीं हुए। वहीं नवाज खान का मोबाइल बंद बताया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं में नवाज खान का नाम भूपेश बघेल के साथ 5 सालों से जुड़ा था। पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते थे। छिपा सोसाइटी के सहायक प्रबंधक श्री गोवर्धन वर्मा का के द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या किया गया। इस संबंध में थाना डोंगरगढ़ में मर्ग क्रमांक 15/2024 धारा 174 जाफाव में दर्ज हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। चूँकि नवाज खान जी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे और सोसाइटी से संबंधित हैं करके इस घटना में इस जो सोसाइटी है वहाँ पे जांच किया गया, तो दस्तावेजों के आधार पर हमें जो जानकारी आया है करीब 28 लाख की धान का कमी पाया गया है। तो हम लोग धान का कमी पहले से था या फिर अभी हुआ है शॉर्टेज, इसको जानने के लिए एक नोटिस भेजे थे, जिस पर आज 11 बजे को आ जाऊंगा बोले थे, पर नवाज खान जी टाइम पे नहीं आए और फ़ोन बंद कर दिए हैं। अब आएंगे तो पूछताछ की जाएगी, अब आएंगे तो पूछताछ करेंगे, कुछ तथ्य आएगा तो फिर आगे कार्रवाई, नहीं आने की स्थिति में आना तो